Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Now I am going to start chapter number 4, Jumma Eidain. Jumma Eidain kal humne iska book work kiya tha aur sath iski reading ki thi. Aaj hum karenge booklet work. Booklet work ke liye sabse pehle aap karoge iske mukhtasir sawalat. Mukhtasir sawalat mein sabse pehle sawal aayega ijtimai ibadat ka kya maqsad hai. इसके दो पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर वन, मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, इसका पहला मकसद ये है इज्तमाई इबादत का. सेकंड है इन्हें एक दूसरे के मसाइल का इलम हो सके. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर टू, ईदेन की माशर्ती अहमियत तहरीर करें. ईद की नमाज के बाद मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं जिससे नफ़रतें ख़त्म होती हैं और भाईचारा कायम होता है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बुकलेट वर्क में है दुरुस्त जवाब का इंतहाब करें. दुरुस्त जवाब का इंतहाब करेंगे. नमाज़े जुमा किस वक्त अदा की जाती है? जोहर के वक्त. नमाज़े जुमा में कितनी फ़र्ज रकात होती हैं? दो. नमाज़े जुमा की अदायगी से गुनाह माफ़ हो जाते हैं हफ्ता भर के. ईदुल फितर कब मनाई जाती है? यकम शवाल. ईदुल अज़हा किन की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के. ईदुल अज़हा ज़िलहज की किस तारीख को मनाई जाती है? 10 ज़िलहज को मनाई जाती है. ईद की नमाज़ के लिए जाते और आते वक़्त पढ़ी जाती हैं तकबीरें. जानवरों की कुर्बानी की जाती है ईदुल अज़हा पर. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ज़ल दिन किसको करार दिया? जुम्मे को. नमाज़े जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी जाने से किसकी कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है? ऊँट की कुर्बानी के बराबर. इमाम के खुतबे को सुनना चाहिए तवज्जो और खामोशी से. ईदुल अज़हा पर कुर्बानी करना हर इस मुसलमान पर लाजिम है जो मालदार हो. ठीक है, थैंक यू.